आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्कूली बच्चों ने दिखाया उत्साह। ब्रह्म कुमारी बहनों ने तन के साथ मन की एक्सरसाइज कराई। बेड़िया प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बेड़िया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रभात कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेड़िया एवं प्रेस्टिज पब्लिक स्कूल बेड़िया में योग उत्सव के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों ने उत्साह और जोश के साथ तन और मन की एक्सरसाइज की। इस दौरान तन और मन को स्वस्थ रखने के उपाय बताए गए, वहीं विभिन्न योग मुद्राएं भी कराई गई। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी भावना बहन ने राजयोग का अभ्यास कराया। उपस्थित स्कूली बच्चों और शिक्षिकाओं ने उत्साह के साथ इसे सीखा। इस अभ्यास से सभी में काफी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम में प्रभात कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बेड़िया के संचालक अजय पाठक, प्रधान अध्यापिका श्रीमती संतोष वर्मा, जिला मंत्री मोनिका सोनी, योगा ट्रेनर ऋषिकेश राठौड़, प्रीति वर्मा, उमाशंकर बिरला, सविता कुमरावत, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल की प्राचार्य बहन उषा शुक्ला एवं अन्य शिक्षिकाएं और स्टाफ उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी भावना बहन ने गाइडेड कॉमेंट्री के जरिए राजयोग का अभ्यास कराया। आपने बताया, मन को प्रसन्न रखने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिट रहना जरूरी है, जिसके लिए प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम जरूरी है, इसी प्रकार आत्मा को स्वस्थ अर्थात फिट खुश रखने के लिए आत्मिक व्यायाम मेडिटेशन जरूरी है, जो राजयोग से प्राप्त होता है। इसलिए प्रतिदिन योगा के साथ राजयोग को भी जीवन में अपना कर पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जिए। आपने बताया कि योगा और राजयोग के सम्मिलित प्रयास से हम जीवन पर्यंत खुशहाल रह सकते हैं। ब्रह्म कुमारी पूजा बहन ने राजयोग मेडिटेशन और अध्यात्म को जीवन का हिस्सा बताया और इसके लिए निरंतर सकारात्मक विचारों में रहने की बात कही। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट।